इस रोड का 3D भी इशू हो जाएगा। ये रोड इस पूरे इलाके की तकदीर बदलने वाली है, क्योंकि हमको अनंतनाग से जोड़ देगी और एक घंटे के अंदर हम लोग छात्रों से अनंतनाग पहुंच जाया करेंगे। इससे यहाँ के युवा के लिए जो जो अपॉर्चुनिटीज आएंगी उनके बारे में भी बात की, किश्तवाड़ आइडल जो 13 तारीख को होने जा रहा है उसके बारे में भी बात की, जो हमने ST हॉस्टल में अभी एक नई लाइब्रेरी शुरू करनी है उसकी भी बात की, और जितने भी जेन्युइन क्लेम्स के कॉम्पनसेशन के जो क्लेम्स हैं उनके बारे में भी बात की, ताकि जब भी ये लैंड एक्वायर हो ये लोगों के लिए एक्वायर हो और लोगों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, उनकी जेन्युइन जो बातें हैं उनको ध्यान में रखते हुए एक्वायर हो, ताकि इससे सबका भला हो और किसी का नुकसान ना हो। ये अप्रैल एंड में होने वाला है। अभी जो हमारी बात चल रही है डायरेक्टोरेट से, सैटरडे संडे यानी 29th और 30th अप्रैल के आसपास की तारीखें बन रही हैं। विद इन 2-3 डेज हम लोग इसकी डेट को भी फाइनल कर देंगे और पब्लिक डोमेन में निकाल देंगे। इससे भी इस पूरे इलाके का जो बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ के लोगों को होम स्टेज का एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा, और अभी भी छात्रों इलाके से कई लड़के हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हैं ट्रैवल गाइड की, और आज वो लोग जाई वैली गए हुए हैं भदरवा, जहाँ पे कि उनको कैसे टूरिस्ट और ट्रैवल गाइड बनना होता है वो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मुझे लगता है इन चीज़ों से इनके लिए रोजगार की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी और अपनी लाइफ को एक अच्छे रास्ते पर ये लोग ले जा पाएंगे।